हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द फ्री एथिक्स फाउंडेशन कोर्स बाय अल्फा एस एकेडमी एंड वी आर एट द पार्ट 4 ऑफ लेक्चर नंबर 5 एंड वी आर स्टडिंग द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी शैल बी स्टडिंग अबाउट द डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, कंपैशन एंड टॉलरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी, एम्पैथी एंड कंपैशन। दस लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, देखो डेडिकेशन तो आपको पता ही है, जिस प्रकार से सभी लोग प्यार में डेडिकेटेड होते हैं वैसे ही पब्लिक सर्विस में भी आपको डेडिकेट होना पड़ता है, अपनी फैमिली के लिए डेडिकेट होना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए डेडिकेट होना पड़ता है, अपने रिलेशंस के लिए डेडिकेट होना पड़ता है। और अगर ये डेडिकेशन कहीं भी हिलती है तो और जगह डेडिकेशन आपकी हिलती है और आपकी जो मानसिक शांति है वो दूर होती है। दस ऑन दैट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, दस व्हाट इज डेडिकेशन? डेडिकेशन इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू गिव और अप्लाई वंस टाइम, आपका समय, आपका अटेंशन, फुल अटेंशन देना है आपको एंड सेल्फ एंटायरली टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्सन और कॉज। जब आप अपना काम कर रहे हैं तो आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, जब आप किसी के साथ हैं तो पूरी तरीके से उस व्यक्ति के साथ रहें, अगर आप किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से उस कॉज के लिए काम करें। और इन सब को बैलेंस करने को ही आपका लाइफ मैनेजमेंट कहा जाता है। यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, है ना, जब क्योंकि ये चीज़ें मैनेज करना आसान नहीं है, जितना आसान कहना है कि आप मैनेज करिए सारी चीज़ों को उतना आसान नहीं है। दस वी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर कंसर्न अबाउट डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस ओनली। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे देन इट कास्ट अ ड्यूटी ऑन यू टू सर्व पब्लिक एंड दैट यू नो यू शुड सर्व पब्लिक नॉट मियरली एज अ जॉब और डूइंग जॉब। आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए उस काम में, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आपके अंदर डेडिकेशन होगी तभी आप एम्पैथिक बनेंगे। एम्पैथिक मतलब आप लोगों की समस्याएं समझेंगे, ठीक है, एंड अपने जॉब के प्रति आप सच्चाई, ज़्यादा ऑनेस्टी से अपने काम को कर सकते हैं, ठीक है। यू नो डेडिकेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑल्सो हेल्प्स यू टू रियलाइज द आइडियल्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक जस्टिस, इक्वालिटी। क्योंकि आप जब काम, देखो एक व्यक्ति होता है जो काम इसलिए कर रहा है कि उसको महीने में 1,00,000 रुपये सैलरी आ जाएगी, ठीक है, वो अपनी सैलरी एंजॉय कर रहा है, 4 फाइलें आई उसने पढ़ी, पढ़ के उसने बस डिसीजन लिया और भेज दिया, लेकिन उसके अंदर कोई डेडिकेशन नहीं था, बस वो जॉब इसलिए कर रहा था कि बस उसे जॉब करनी है, ठीक है, जॉब से उसका घर चलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको डेडिकेशन देना है, आपको सोचना है, आपको इमोशन लाने हैं, आपके अंदर उस चीज़ की फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई, कोई पेंशनर, अगर आपके किसी पेंशनर की फाइल आपके ऑफिस में आए तो आपको उसका दर्द समझना है कि यार उसकी 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है, उसे घर में कैसे लोग खाना खा रहे होंगे या कैसे और उसका खर्चा चल रहा होगा, अगर या वो वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि वो पेंशनर है तो एक वृद्ध व्यक्ति होगा, उसकी दवाई का खर्चा कैसे चल रहा होगा, वो किस प्रकार की लाइफ जी रहा होगा जब उसको 4 महीने से पेंशन ही नहीं मिली। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नोट लगा के भेज सकते हो उसे आगे, या आप उसकी प्रॉब्लम समझ के वहीं उसका निवारण कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। यू नो दैट इज़ द पावर दैट सिविल सर्विसेज गिव्स यू। एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव द पावर टू एड्रेस पीपल्स प्रॉब्लम देन एंड देयर, है ना। आप ऑर्डर निकाल सकते हैं उसी टाइम, आप अपने क्लर्क को बोल सकते हैं भाई ऑर्डर निकालो और उसको जस्ट इमीडिएट डिपार्टमेंट को पोस्ट भी मत करो, फैक्स करो या मेल से भेजो और उन्हें बोलो कि कल तक इस व्यक्ति की पेंशन जो है बहाल हो जानी चाहिए। तो ये कैसे है? कब आएगा? जब आप डेडिकेटेड होंगे अपनी पब्लिक सर्विस में। दस आप ये नहीं कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में क्या पाया जाता है या क्या पाया गया है कि जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो बड़ा फॉर्मल कमिटमेंट है बस उनका, कि हाँ यार जॉब करनी है, जॉब है बस कर रहे हैं, ठीक है। बट एस्पिरेशनल कंट्री लाइक इंडिया नीड्स एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतना विविध देश है, इतना डिवर्सिटी है इस देश में कि हर एक प्रॉब्लम की अपनी निटी एंड ग्रिटी है, और जब तक आप उस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप उसको सही सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे। मान लिया प्रॉब्लम है एक्स, ठीक है, आप एक्स का सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप सॉल्व मतलब जैसे होता है ना कि पता लगा चोट लगी टांग में, आपने ऑपरेशन कर दिया दिल का, या चोट लगी दिमाग में, आपने पैर ऑपरेशन कर दिया पैर का, वैसा नहीं करना है। आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए आपके लिए डेडिकेशन चाहिए, मांगता है पब्लिक सर्विस में, ठीक है। दस इंडिया नीड्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए देश को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ से आएंगे? जब आप डेडिकेटेड होंगे तभी। दस इन सिविल सर्विसेज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस लीड्स टू परसीवरेंस विच हेल्प्स अ पब्लिक सर्वेंट टू वर्क इन हॉस्टाइल एंड डिफिकल्ट कंडीशन।
ठीक है, नहीं तो आप यही सोचते रहोगे बस कहाँ मैं फंस गया और कब मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र मिले और कब मैं अपने जाके अपने शांति से रहूँ, है ना। क्योंकि यार लाइफ ऐसी है, सिविल सर्वेंट्स की नहीं, लाइफ भी ऐसी है कि आपको वन डे और द अनदर हॉस्टल सिचुएशन मिलती रहेगी, बट आपको फाइट करना है। हमने एटीट्यूड में क्या पढ़ा, एटीट्यूड में भी हमने आपको यही पढ़ाया कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है प्रॉब्लम्स के प्रति, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो यार आप परेशान हो जाएंगे और आप जॉब छोड़ देंगे, है ना, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आपको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, ठीक है। कैसे डिवेलप कर सकते हैं इसको, नाउ जो कि डेडिकेशन है ये मोर ऑफ एप्टीट्यूड का पार्ट है। अब हमने आपको बताया दो चीज़ें होती थी, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता था, बाहर जो आप पले बड़े हुए, जैसे पले बड़े हुए, जैसे स्कूल में पढ़े, जैसे आपको लीडर्स को आप फॉलो करते हैं, आप सोशल मीडिया में क्या फॉलो करते हैं, वो आपको एटीट्यूड डिटरमाइन करते हैं। बट एप्टीट्यूड क्या था, एप्टीट्यूड थोड़ा सा इननेट था, आपके अंदर से जो आता है ना। आपके अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एप्टीट्यूड था, मतलब बचपन से आप अच्छे से मैथ बनाते थे, कुछ बच्चों को बचपन से ही मैथ में टफनेस होती है, तो वो क्या है, एप्टीट्यूड पार्ट है। तो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस भी एक एप्टीट्यूड का ही पार्ट है, वो एक टाइप का एप्टीट्यूड ही है। तो उसके लिए क्या है, वो आपको इंटरनली आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आपको आपके अंदर डालेगा, वो आपके अंदर से ही आएगा। उसके लिए वो एक इंटरनल मोटिवेशनल कंपोनेंट है आपके अंदर, तभी आप पब्लिक सर्विस को डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वो है नहीं आपके अंदर, तो डेवलप करना उसको हार्ड ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भाई आप कर सकते हैं, आप अगर चीज़ों को समझे, एग्जांपल्स को समझें, तो क्योंकि देखो ओवरलैप तो है ही है, वो एप्टीट्यूड का ज़्यादा पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि एटीट्यूड इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें, एटीट्यूड भी इन्वॉल्व है। दस इट इज़ मोर ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्जेक्टिविटी है इसमें, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप उसको शुरू से डिवेलप करके चलें अपने अंदर, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम उसको डिवेलप करने की, एग्जामिनेशन जो पैटर्न है यूपीएससी का, आप उसमें चेक करें कि एप्टीट्यूड डेडिकेशन रिलेटेड एप्टीट्यूड है नहीं है, ठीक है। सेंसिटिव ट्रेनिंग दें ताकि वो एम्पैथी भी जनरेट करें और डेडिकेटेड रहें काम के प्रति, ठीक है। जब आप एम्पैथेटिक होंगे तब आप काम के प्रति डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। एम्पैथी लीड्स टू डेडिकेशन टू वर्क, ठीक है। क्योंकि आप प्रॉब्लम समझेंगे और प्रॉब्लम को समझ के आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होंगे, तो जब आपको सोल्यूशन निकालना है तो आपको डेडिकेटेड रहना है प्रॉब्लम के प्रति, ठीक है। तभी आप सेंसिटिव ट्रेनिंग से क्या होगा, आप पीपल की समस्या समझेंगे, ठीक है, एंड देन यू कैन मेक अ डिफरेंस। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। 1985 में स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया, ठीक है। अब वो पागल भी हो सकते हैं, यार मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिक्सर फाउंड की, है ना, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और जो उन्होंने फंड रेज किया उनकी रेपुटेशन थी, है ना। देखो यही होता ना, आप ऑनेस्ट रहेंगे तो एक पब्लिक ट्रस्ट आपके पास रहेगा, पब्लिक ट्रस्ट रहेगा तो आपको एक रेपुटेशन बनेगी, रेपुटेशन से आपका काम इजी हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरी कंपनी के लिए, आप उनकी रेपुटेशन तो थी पहले से अच्छी, उन्होंने फंडिंग गैदर करी, उन्होंने एक नई कंपनी बना दी। अजीत डोवाल जी जो हमारे करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने बहुत सारी इंसर्जेंसीज में मिजोरम, पंजाब एंड कश्मीर में उस टाइम पर जितने भी इंसर्जेंसीज हुए व्हेन ही वाज इन द इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें बड़ा एक्टिव रोल किया। इनफैक्ट ही मैनेज टू टर्न मिलिटेंट्स एंड परस्यूड देम टू असिस्ट इंडियन फोर्सेज अगेंस्ट टेररिस्ट, है ना, ये भी उन्होंने काम किया। दस और उन्होंने जितनी भी हाईजैकिंग्स हुई, 15 हाईजैकिंग्स हुई थी 1971 से 1999 तक, काफ़ी बुरी हालात थी उस टाइम, है ना, उसमें भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। तो वो क्या था, ये इनका डेडिकेशन ही तो है। आज भी वो एक कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, है ना, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, उनका डेडिकेशन ही तो है, उनकी डेडिकेशन ही तो है सर्विस के प्रति या पब्लिक सर्विस के प्रति जो उन्हें बनाए रखी है आज तक। देन आर्मस्ट्रांग पामे थे, नाउ आर्मस्ट्रांग पामे इज एन आईएएस ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर, उन्होंने बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के 100 किलोमीटर की रोड बना दी। अब कैसे बनाई उन्होंने, देखो यार, क्योंकि उन्होंने, उनके पास कोई आया होगा, उन्होंने बताया होगा कि सर हमें इतना किलोमीटर चलना पड़ता है, इतना घूम के आना पड़ता है, कोई औरत उस गाँव में प्रेगनेंट है, किसी कोई बीमार है, कोई बच्चे की तबीयत एकदम अचानक ख़राब हो जाती है, बच्चों को स्कूल जाना है, हमें बाज़ार जाना है, तो हमें इतना घूम के आना पड़ता है, हमारी लाइफ जो है बहुत टफ है। तो आर्मस्ट्रांग पामे जी में क्या थी, उनके अंदर एम्पैथी थी, तो उन्होंने उसको समझा, और उनके अंदर एम्पैथी भी नहीं, उनके अंदर कंपैशन था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक्शन भी लिया, है ना, एंड ही बिल्ट अ रोड ऑफ 100 किलोमीटर, और उनको जो है इस चीज़ के लिए बहुत सराहा गया था, एक बहुत सराहनीय उनका ये स्टेप था। और मैं कहता हूँ ये लीडिंग बाय एग्जांपल का एक उदाहरण है आर्मस्ट्रांग पामे जी, है ना। तो उनको मिरेकल मैन भी कहा जाता है, बहुत लोगों के नाम से जाते हैं वो, और पीपल्स रोड उन्होंने बनाई, और मेरे ख्याल से ऐसे ही आप लोगों को भी काम करना चाहिए, ठीक है। देन एम्पैथी देखते हैं, ठीक है। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है सिंपैथी, ठीक है, एक होती है आपकी एम्पैथी, ठीक है, और इन सबसे बड़ी होती है कंपैशन। ये तीनों एक कंसेंट्रिक सर्कल मान लीजिए, तो सिंपैथी एम्पैथी के अंदर है और एम्पैथी कंपैशन के अंदर है।
सिंपैथी जो है सिर्फ कॉग्निटिव या दिमागी, आप सिर्फ थिंक करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। जो थिंकिंग एस्पेक्ट है वो सिंपैथी डील करती है, बट आप जब थिंक करते हैं और आपके अंदर एक इमोशन जनरेट होता है उस प्रॉब्लम को लेके, तब आप एम्पैथेटिक हैं। और जब आप थिंक प्लस इमोशन और एक्शन लेते हैं लास्ट में, भाई आपने, आपके पास कोई आया, आपने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचा, हाँ यार ये बहुत बुरा हुआ, आपने सोचा ठीक है, वो सिंपैथी हुई, आपने अंदर इमोशन आया कि नहीं यार कुछ होना चाहिए, गलत हुआ, ये हुआ ये हुआ, लेकिन आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, आप बहुत एक्शन के करीब थे, आपने एक्शन नहीं लिया, वो हो गई आपकी एम्पैथी। बट आपने एक्शन, आपने थिंक किया, हाँ ये आपके पास कोई आया, आपने थिंक किया ये प्रॉब्लम है वाकई और इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, और आपने उसके लिए एक्शन भी लिया, तो वो क्या हो गया, आपका कंपैशन हो गया। तो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन कंडीशन फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, मतलब बोलते ना कि पुटिंग योर फीट इन टू अदर्स बूट्स, वो वाली, उसी को एम्पैथी बोलते हैं कि आप दूसरे के नज़रिए से उनकी समस्या को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसी को एम्पैथी बोलते हैं। और तब जब आप उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं एक्शन के रूप में, तो आप कंपैशनेट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज़ समटाइम्स कन्फ्यूज विद सिंपैथी। सिंपैथी जो है इंस्टिंक्टिव है और वो लार्जली इन्वॉल्व करती है कॉग्निटिव एस्पेक्ट को, जो हमारा थिंकिंग वाला एस्पेक्ट है, जो सोच समझने वाला एस्पेक्ट है, ठीक है। नाउ एम्पैथी इज एसेंशियल फॉर वाइडर परस्पेक्टिव, ठीक है। वो हमें 360 डिग्री एंगल पे सोचने में मजबूर करती है। हमारा एक एटीट्यूड जो हो जाता है वो कंसिडरेट हो जाता है, क्योंकि हम दूसरों की आइज से चीज़ों को देख रहे हैं, हमारा व्यू जो होता है फ्लेक्सिबल बनता है, ठीक है। और हमें रैशनल थिंकिंग में मदद मिलती है, ठीक है, क्योंकि हम जो समस्या है, जिसको समस्या हो रही है, उसकी तरफ से देखते हैं समस्या को, अपनी तरफ से नहीं देखते कि यार ये तो समस्या ही नहीं है, है ना। तो फिर आप कभी, बहुत सारी समस्याएं आपको समस्याएं लगेंगी ही नहीं अगर आप अपने दिमाग से सोचने लगें, ठीक है। उस तक कोई आप एक अच्छी सोसाइटी में रहे हों, पले बड़े हुए हों, आपने कभी गरीबी देखी ना हो, एक गरीब व्यक्ति है कि सर मैं गरीब हूं और मेरे को खाने के पैसे नहीं है, तो आपको, अगर आप उसके नज़रिए से नहीं सोचेंगे, तो आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, तो हाँ, और ये सच्चाई है, ठीक है। तो एम्पैथी जो है आपको वाइडर पर्सपेक्टिव देती है, इट गिव्स यू कंसिडरेट एटीट्यूड, फ्लेक्सिबल यू, एंड इट अलाउज यू टू थिंक रैशनली। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एसेंशियल तो है ये सिविल सर्वेंट्स के लिए, क्योंकि इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रैलिटी, कंपैशनेट एम्पैथी के बिना हो ही नहीं सकती, क्योंकि एम्पैथी जो है फाउंडेशन है इन सब का। कंपैशन जो है एम्पैथी पे ही बिल्डअप होता है, क्योंकि जब आप पहले उसके बारे में फील ही नहीं करोगे, तो आप एक्शन क्या लोगे? अगर एक्शन ले भी लोगे तो वो इनएफेक्टिव एक्शन होगा, है ना, कोई फायदा थोड़ा होगा एक्शन का अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी। जब आपको प्रॉब्लम का सही मालूम नहीं है, तो सही उपचार कैसे करेंगे आप? जब आपको रोगी के रोग का सही पता नहीं है, तो आप उसका इलाज क्या करेंगे? तो ये वही बात है, ठीक है। दस एम्पैथी ऑल्सो डील्स विद द इमोशनल इंटेलिजेंस, EI वाला पार्ट से डील करती है वो ज़्यादा, क्योंकि सिंपैथी सिर्फ कॉग्निटिव एसेट, सिर्फ सोचा आपने, लेकिन EI इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन डील करता है? एम्पैथी डील करती है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में, क्वालिटी में आपको इम्प्रूव करेगी, ठीक है। अगर आपके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी है टुवर्ड्स वुमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रेन, डिसेबल्ड, तो आप उनकी प्रॉब्लम और नीड्स कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एंड दैट मैट लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड इनटॉलरेंस, है ना, आपके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ सकता है। हाउ टू इनकलकेट इट? इनकलकेट की जा सकती है, बिल्कुल। हम शुरू से बात करते वाले हैं कि ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो सेंसिटिव होनी चाहिए। आप जो है शर्माना नहीं चाहिए कि यार ये गरीब व्यक्ति, मैं इससे कैसे बात करूँ, आप शर्ट पैंट पहन के जा रहे हैं, है ना। अब देखिए, आप लोगों के बीच में अगर जैसे लोग वैसे ही जितना जाएंगे ना, उतना ही आपको आसानी होगी उनसे कन्वर्सेशन करने में, ठीक है, और उनको आपसे करने में। देखो, आपको तो उनसे कन्वर्सेशन करनी है, लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना है कि वो आपसे कन्वर्सेशन कर पाएँ। अगर उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है आपसे कन्वर्सेशन करने में, तो भी आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। सर्वधर्म संभव एटीट्यूड इन द सोसाइटी लाना है आपको। नाउ सर्वधर्म संभव का मतलब क्या है? इट इज़ अ हिंदू फिलॉसफी। वो यही कहती है कि देखिए, आप रिलीजन प्रोफेस अलग अलग तरीके से करते हैं, तो रिलीजन क्या है? वो सब पाथ हैं, बट जो मेन एम है या जो लास्ट एम है या जो अटेन करना चाहते हैं, वो सब धर्मों का कॉमन है। तो अगर ये सब धर्म है, तो ये सब रास्ते हैं सिर्फ एक एम को पाने के लिए, क्योंकि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सबकी सेम है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर कल्चर्स, है ना, आप कल्चर्स को समझें, इसीलिए आर्ट एंड कल्चर को ऐड भी किया गया था UPSC द्वारा। क्यों? वो एम्पैथेटिक बना रहा था आपको मोर, कि भाई आप दूसरे के बारे में भी समझो, आप अपने कल्चर में ही मत रहो। दैट इज़ हाउ यू नो The examination also provides you an opportunity to involve or inculcate new kinds of values, है ना, and by introducing art and culture, what they did, they wanted to you be more empathetic, ठीक है। Examples ले लेते हैं। अब
क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेवलप कंट्रीज बोलती हैं हाँ हाँ बहुत दिक्कत है, लो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है, जो लीज डेवलप कंट्रीज हैं जो सी के अराउंड हैं, सी लेवल राइज से उनको खतरा है, बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर तो उनमें क्या है, वो सिंपैथी है बस, उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। और वो जब, क्योंकि जब तक इमोशन नहीं आएगा तब तक वो एक एक्शन भी नहीं लेंगे, एक कंक्रीट एक्शन नहीं लेंगे, और जब तक वो एक्शन लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो उनके अंदर सिंपैथी तो है लेकिन एम्पैथी और कंपैशन वो लोग लैक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका हमेशा जो है, क्योंकि उनके एक्शन दिख ही नहीं रहे है ना, वो आप देखो कहते रहो कि मैं मदद करूँगा, लेकिन मदद ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है कहने का भी, ठीक है। तो जो चीज़ आप नहीं कर सकते आप कहो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ ने सिंपैथी दिखाई लेकिन एम्पैथी और कंपैशन नहीं दिखाया, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय जी ने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा और उनके दिमाग पर उसका बड़ा असर पड़ा और उन्होंने प्रण लिया कि यार मैं इस प्रथा को ख़त्म कर दूंगा। और फिर आपने देखा कि 1929 में सती अबॉलिशन एक्ट आया और उसमें राजा राम मोहन रॉय जी की कितनी बड़ी योगदान था, और उनके बिना तो शायद सती बैन नहीं हो पाती इंडिया में, एंड इट वाज अ वेरी डेडिकेटेड प्रैक्टिस। दस राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या दिखाया, पहले उन्होंने सिंपैथी हुई, उनके अंदर सिंपैथी से एम्पैथी जनरेट हुई, इमोशन जनरेट हुआ, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं इसको रोकना है, तो ही वाज अ कंपैशनेट पर्सन। ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर थे अतुल वी कुलकर्णी, तो हमेशा बात चलती रहती है कि लोग पुलिस के पास नहीं आते, तो उन्होंने देखो यार ये पॉजिटिव एटीट्यूड का भी एक एग्जांपल है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है यार लोग नहीं आने जाते, पुलिस जा सकती है लोगों के पास। और उसके लिए उन्होंने दो डिवीजन बनाई, एक ड्रग सेल बनाया और एक वुमेन सेल बनाया कॉल भरोसा ट्रस्ट सेल, है ना। तो ये क्या है कि दिस इज दी यू नो यू रीचिंग आउट टू दी सिटीजन्स, है ना। इट इज़ योर ड्यूटी टू डू पब्लिक सर्विस, है ना। पीपल मे नॉट बी कमिंग टू यू बट at times you should be able to communicate to them, and a better communication leads to a effective governance, है ना। याद है ना, better communication leads to effective governance, always remember this, okay guys, ठीक है। अब compassion मैंने आपको बता दिया, compassion में अब empathy में क्या थी, feeling थी, लेकिन compassion में क्या है, आप action भी ले रहे हो, आपको पता ही है कि गरीब है, आपने आपको रोना भी आ रहा है, आप रो रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन जब आपने एक स्कीम निकाल दी, स्कीम में उसको 2000 रुपये महीना मिलने लगे, तो वो क्या था, यू आर अ कंपैशनेट पर्सन। तो द एक्शन, यू नो द एक्शन कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन कंपैशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, क्योंकि सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस और प्रो पीपल होना आपको, है ना, ये आपको बनाएगा। इट रिड्यूसेस डिस्टेंस बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लोग ज़्यादा पास आ पाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो बेटर गवर्नेंस में रिजल्ट करता है, ठीक है। और आई टेल यू दैट विदाउट कंपैशन देयर इज़ नो सोशल जस्टिस और थ्योरी ऑफ जस्टिस, आप जस्टिस दे ही नहीं पाते जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे। और समस्या आपने समझ भी ली, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या जस्टिस दिया आपने, वही कहते ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डिलीवर, इट शुड बी सीन टू बी डिलीवर्ड। जस्टिस सिर्फ देखा नहीं जाना कि हाँ भाई जस्टिस कर दिया, इट शुड बी सीन टू बी डिलीवर्ड, हाँ जस्टिस हुआ है। और वो कैसे होगा, जब आप एक्शन लेंगे उसके प्रति, ठीक है। इंडियन सोसाइटी जनरली बिलीव्स इन लॉ करना कर्मा, है ना। लोग यही कहते हैं कि यार ये आदमी पुअर है या फिजिकली डिसेबल्ड है तो ये इसके पुराने कर्म है, इसके कर्मों का फल है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं होगा तो आप उस व्यक्ति की कभी भी मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैसे डिवेलप कर सकते हैं आप कंपैशन को, आप ऑफकोर्स इसीलिए जो है ग्राउंड ट्रेनिंग, जो बोलते हैं ना कि ग्राउंड में भेजा गया आपको, इसीलिए भेजा जाता है कि आप कंपैशन डिवेलप करें। आप वहाँ पे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं डाउन ट्रोडन सेक्शन से, आप उनके घर जाते हैं, है ना, आप समझते हैं कि समस्या है क्या। तो इस तरीके से आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और आपको क्या हेल्प करेंगी, जैसे बुद्धिज़्म के 4 Noble Truths हैं, है ना, वो आपको उस टाइम हेल्प करेंगे। इसलिए बुद्धिज़्म पे बहुत एम्फेसिस भी रहता है UPSC का, एट टाइम्स दे आस्क क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, बिकॉज देखो एग्जामिनेशन भी आपको एक प्रकार के व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है, एक चीज़ में मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सिविल सर्वेंट हमें ऐसे चाहिए, है ना, अगर उन्हें DJ चाहिए होता तो वो आपको गाने वाने के बारे में पूछते, अगर वो उन्हें सिंगर चाहिए होता तो वो आपसे राग और उसके बारे में पूछते हैं उसके बारे में भी, लेकिन ज़्यादा पूछते हैं। बुद्धिज़्म और उसका क्या लेना देना, वो क्यों पढ़ाते हैं आपको, ताकि आप फिलॉसफी समझ सकें, नोबल ट्रूथ समझ सकें, लाइफ के बारे में ज़्यादा अच्छे समझ सकें, मोर एम्पैथेटिक बन सकें, मोर कंपैशनेट बन सकें। उसके कंपैशन के एग्जांपल दे, देखो पहले तो हम ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो अगर ये कंसेंट्रिक सर्कल है तो ये सिंपैथी है, ये एम्पैथी है और ये कंपैशन है।
सिंपैथी मैंने आपको बता दिया सिर्फ थॉट्स हैं आपके अंदर, एम्पैथी मैंने आपको बता दिया जब थॉट्स और फीलिंग्स दोनों जनरेट होती है, और जब थॉट्स प्लस फीलिंग प्लस एक्शन होते हैं तो वो कंपैशन होता है। अगर आप इस डायग्राम को बना देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, बिलीव मी। एग्जांपल्स देख लेते हैं कंपैशन के। मदर टेरेसा जी होती टेरेसा ने जी ने अनप्रिविलेज डिसएनफ्रेंजस्ड पीपल के लिए हमेशा वर्क किया। उन्होंने जो पिछड़ा वर्क था या जो दबा हुआ वर्क था उसके लिए काम किया और लाइफ टाइम वर्क किया। आज भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस ऐसे व्यक्तियों के लिए काम कर रही है। तो ये क्या है, कंपैशन था। इनिशिएटिव जैसे एक प्रशांत नायर थे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कोझीकोड के, तो उन्होंने देखो कितने अच्छे अच्छे उन्होंने, ये वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जिन्होंने बिरयानी पैसे अलॉट हुआ था एक लेक को साफ़ करने के लिए, उन्होंने अपील करी लोगों को संडे को आने के लिए, लोगों ने मिलकर साफ़ किया, उसके बाद उस पैसे की बिरयानी पार्टी हुई। दिस काइंड ऑफ यू नो इनोवेटिव इनिशिएटिव शुड बी टेकन बाई द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद इनिशिएटिव लाइक कंपैशनेट कोझीकोड, ऑपरेशन सुलेमानी, सवारी गिरीगिरी, कोझीपीडिया, फ्रीडम कैफे, यो अपोपा तेरे मेरे बीच में, है ना, इस टाइप के इनिशिएटिव थे। उन्होंने एक बस क्रिएट किया था सोशल मीडिया पे भी और वो न्यूज़ पे भी काफ़ी रहे, एंड यू नो उन्होंने एक न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस अनवील किया। देखो यार आज के टाइम पे हम नॉन फंजिबल ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स की बात कर रहे हैं। देखो ये अभी इस बार फिल्म में पूछा भी गया था NFTs, है ना। तो ये क्या है, तो आज देखो आज की जो समस्याएं हैं वो आज की हैं, उसको हम पुराने टूल्स से काउंटर नहीं कर सकते, तो हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा अपने आइडियाज़ में। आज की समस्याओं को आज के हिसाब से डील करना पड़ेगा, आज के युवाओं को आज के हिसाब से डील करना पड़ेगा, आप उसमें पुराने टूल्स नहीं लगा सकते, ठीक है। छत्तीसगढ़ के IAS ऑफिसर थे एक अवनीश सरन, उन्होंने बाइक एम्बुलेंस चलाई थी ट्राइबल डोर स्टेप्स के लिए, जिसने मेडिकल कॉस्ट 90% तक रिड्यूस करी। तो ये सब इन्होंने देखो ये सब एक्शंस हैं, ठीक है, ये सब एक्शन उन्होंने कब किए, पहले वो एम्पैथेटिक, उन्होंने पहले प्रॉब्लम को समझा, उसके लिए उन्होंने फील किया, उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। तो व्हाट मेड, इससे क्या हुआ, वो मोर कंपैशनेट बने, ठीक है। अब पढ़ते हैं टॉलरेंस के बारे में। देखो टॉलरेंस तो परमिसिव एटीट्यूड होता है एक टाइप का, ठीक है, दूसरों के व्यूज़ के बारे में, दूसरों के कल्चर के बारे में, दूसरों के रिलीजन के बारे में, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसको अलाउ करते हैं, आप उनको एक स्पेस देते हैं अपनी बात रखने का, उसी को टॉलरेंस बोलते हैं। दस इट इज़ हैविंग अ परमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर फीलिंग्स, वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इंडिया इज़ कंसिडर अ टॉलरेंस सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट्स डिवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस। इनफैक्ट इन जैनिज्म टॉलरेंस इज कैप्चर्ड इज द आइडल ऑफ सायदवादा स्कूल, जो है उनका सायदवादा का जो आइडियल है वो टॉलरेंस ही है। विच मीन्स दैट एवरी व्यू इज करेक्ट फ्रॉम इट्स ओन परस्पेक्टिव, गलत कुछ नहीं है, सबके परस्पेक्टिव से सब सही है। बट कभी कभार ऐसी भी देखो सोसाइटी में क्योस हो सकता है अगर हम सबको ये सही मानने लग जाएं, बट सबके परस्पेक्टिव से सब सही है और कोई भी पर्टिकुलर व्यू पूरी तरीके से सच नहीं होता, एक्सेप्ट द फैक्ट कि सन, देखो कि सन कहाँ से उगता है, क्योंकि पृथ्वी एक, देखो वो भी सब्जेक्टिव, क्योंकि पृथ्वी ईस्ट से वेस्ट घूमती है इसलिए सूरज ईस्ट से घूमता है, अगर वेस्ट से ईस्ट घूमती होती तो वो वेस्ट से उगता। तो देखो यार एब्सोल्यूट ट्रूथ तो कुछ भी नहीं है ना, ये अलग ही लेवल का फंडेबाजी है। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर व्यू इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट, कोई देखो ये टॉलरेंस वही है कि देखो यार एब्सोल्यूट सही भी कुछ नहीं है और एब्सोल्यूट गलत भी कुछ नहीं है, सबके व्यू से सब कुछ सही है, और जब आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको स्पेस देंगे, तो आप मोर टॉलरेंट डालेंगे। सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए टॉलरेंस और हारमोनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस जो है, और टॉलरेंस क्या करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है ना, विच इज़ नेसेसरी फॉर परयूजल ऑफ ट्रूथ एंड प्रोग्रेस, है ना, सच्चाई और प्रोग्रेस को बढ़ावा देने के लिए ये सब ज़रूरी है, है ना, क्योंकि वो इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा जिससे कि मोर टॉलरेंट एंड हारमोनी सोसाइटी होगी। भाई अगला बंदा कुछ कह रहा है आप सुन ही नहीं रहे, तो वो उसे गुस्सा आ जाएगा, आप एक टॉलरेंट सोसाइटी का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना, आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे, आप किसी वर्ग की किसी व्यक्ति विशेष की बात सुन ही नहीं रहे, तो उसे क्या होगा, गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, तो वो क्या करेगा, क्योस पैदा करेगा सोसाइटी में, ठीक है। इनफैक्ट GS मिल एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल मॉरल वर्थ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मॉरलिटी आपसे बड़ी है, मेरी आपकी मॉरलिटी मेरे से छोटी है, मेरी छोटी है आपकी बड़ी है, हम लोग की इक्वल मॉरल वर्थ है, ठीक है। एंड देयरफॉर एवरीवन शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये देखो कोई भी चीज़ होती है ना, लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बेवकूफ़ नहीं देखे, कोई भी हमने चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डाल दी, एक एक चीज़ का एक एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, अपनी एक इतिहास है, अपना एक रंग है, एक कलर है, जो कि हमारी लाइफ को भी कलर देता है, हमारी सोसाइटी को कलर देता है, हमारे नेशन के बारे में बताता है, हमारे नेशन को कलर देता है।
Also, human development is possible only when we allow everyone to express their views and pursue their interest, है ना भाई. आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे मान लीजिए MBA चाय वाले का एग्जांपल ले लें, ठीक है. चाय बनाना मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत मीनियल जॉब माना जाता है कि यार ये चाय वाला है, ये चाय वाला है. लेकिन MBA चाय वाला ने क्या किया, उन्होंने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया उसके प्रति. नाउ ही हैज टर्नओवर ऑफ ओवर 600 करोड़ रुपीस, है ना. 600 करोड़ रुपए की वर्थ है इस टाइम. तो उन्होंने क्या किया, पर्सपेक्टिव चेंज किया, ठीक है. वो अब लगे रहे. और ये कब चेंज हुआ, अगर वो जब उन्होंने चार चैकेट वो खोले थे, अगर वो लोग वहीं पे इंटॉलरेंट हो जाते, बंद करवा देते कि क्या है ये, इसे बंद करो, तो ये कभी भी फ्लरिश नहीं हो सकते थे. लोगों ने भी क्या किया, उन्हें स्पेस दिया, उन्हें अलाउ किया, ठीक है आप करिए. लोगों ने इन्हें भला बुरा भी कहा, लेकिन वो डटे रहे, ठीक है. और उनका जो एक्सप्रेशन था वो एक्शन में था, चाय बनाने में, वो बढ़ते गए और लोगों ने उसको अलाउ किया, स्पेस दिया. और अब क्या हुआ, एक उन्होंने एक जॉब को मिनियल जॉब से एक अच्छी जॉब में की, ठीक है. आप चाय से भी पैसा कमा सकते हो, आप उससे भी कंपनी खड़ी कर सकते हो, आप चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो. तो ये कहता है, ये बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट का, जब आप किसी को स्पेस अलाउ करते हैं, ठीक है. आप किसी की व्यूज़ की वैल्यू करते हैं, ठीक है. उन्हें मतलब उनके प्रति टॉलरेंट बनते हैं, ऐसा नहीं इनटॉलरेंट बनते, ठीक है. दस इन अ डिवर्स सोसाइटी लाइक आर, सिविल सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इक्वली. आप किसी भी के प्रति भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना. और ये कब पॉसिबल है, आप कब दूसरों को ट्रीट करेंगे, पता लग रहा आप एक समुदाय के और आपका झुकाव है जब, और वहाँ पे एन नंबर ऑफ समुदाय रहते हैं. आप जब यहाँ जाते हैं तो आपका स्वागत होता है, लेकिन जब यहाँ जाते हैं तो लोग माला, जूते की माला लेके आपके लिए खड़े रहते हैं. आगजनी हो जाती है, तोड़फोड़ होती है, तो आप इस एरिया में जा ही नहीं पा रहे हैं. जब जा ही नहीं पा रहे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम क्या समझेंगे, और जब समझेंगे ही नहीं तो उनके लिए करेंगे क्या. तो आपका ये ज़रूरी है कि अभी कहीं भी इंक्लिनेशन ना हो, इसलिए इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रैलिटी हमने कल पढ़ाया था कि वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इनफैक्ट वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर नॉट पॉसिबल विदाउट टॉलरेंस, जो मैं अभी आपको बताया. नाउ गांधी जी का कोट बहुत इंपॉर्टेंट आता है. गांधी जी ने भी यही कहा था कि फॉरगिवनेस इज़ अ ट्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, वीक पीपल कैन नॉट फॉरगिव. तो जब आप फॉरगिव करते, देखो अपनी लाइफ में भी, आप एज अ सिविल सर्वेंट नहीं मैं आपसे बात करूँगा, जब आप एज अ व्यक्ति विशेष बात करूँगा, जब अपनी लाइफ में किसी भी, आपको देखो बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत बार आपको लोगों की बात का बुरा लगेगा, आप वो बर्डन अपने ऊपर कैरी मत करें. आप अपने आप को फ्री रखें, माफ़ करें, क्योंकि माफ़ करना जो है ना एक करेजियस, एक स्ट्रांग पर्सन का ट्रेट है. वी कैन नॉट फॉरगिव, और ये मैंने नहीं, गांधी जी ने बोला था, ठीक है. नाउ काउंटर, जब हम टॉलरेंट बनते हैं तो थोड़ा काउंटर नेगेटिव उसका भी इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी पे, कि हम थोड़ा डोसाइल हो जाते हैं. चाइनीज सोल्जर्स को यही लगता है कि भैया इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो डोसाइल हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा टॉलरेंट देश है, हम टॉलरेट करते हैं. कहते हम कभी फर्स्ट अटैक पॉलिसी नहीं है हमारी, हम किसी भी कंट्री पे पहले अटैक नहीं करते हैं, पहले अटैक नहीं किया है, तो वो क्या हमारी टॉलरेंस समझाता है. और हमारी क्या होता है, कई बार हमारी टॉलरेंस को ही हमारी वीकनेस मान लिया जाता है, जो कि गलत है, ठीक है. हमारी सोसाइटी कई बार क्या हो जाती है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तब भी लोग खड़े होकर देखते रहते हैं, तो वो टॉलरेंट तो हैं, लेकिन वो गलत चीज़ के लिए टॉलरेंट हो गए, ठीक है. तो आपको टॉलरेंट रहना है सही चीज़ के लिए, गलत चीज़ हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है. करप्शन हो रहा है, विजिलेंटिज्म हो रहा है, इसके लिए भी सोसाइटी टॉलरेंट हो गई, ठीक है. आदमी हमारी सोसाइटी क्या होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए टॉलरेंट हो गई, ऐसा नहीं करना है आपको. आपको सोशल इनजस्टिस है उसके लिए टॉलरेंट नहीं रहना है, करप्शन है उसके लिए टॉलरेंट नहीं रहना है, विजिलेंटिज्म है उसके लिए टॉलरेंट नहीं रहना है. आपको टॉलरेंट रहना अच्छे के लिए, दूसरों के व्यूज़ के लिए, पॉजिटिव व्यूज़ के लिए, अच्छे व्यूज़ के लिए. कोई आपको गाली दे रहा है तो आप ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप टॉलरेंट रहें, ठीक है. आप उसे समझाएं, समझेगा अगर वो समझता है तो ठीक, नहीं तो और तरीके भी हैं उसे समझाने. देन हाउ टू डिवेलप इट, ठीक है. आप एम्पेथाइज कर सकते हैं लोगों से, है ना. आप उनकी प्रॉब्लम समझेंगे तो आप टॉलरेंट खुद ही बन जाएंगे, है ना. आपको लगेगा कि नहीं यार ये सही कह रहा है. जैसे यार कई बार हम किसी को डांट देते हैं ऑफिस में, ठीक है. फिर हम घर आते हैं और सोचते हैं, लगता है यार हमने क्यों डांटा उसे, है ना. वो शायद उससे परेशान हो, क्या पता उसे घर में क्या प्रॉब्लम हो. तो जब आप एम्पैथेटिक रहेंगे ज़्यादा तो आप टॉलरेंट तो खुद ही बन जाएंगे, ठीक है. और मैंने आपको बताया सर्वधर्म संभव वाली फिलॉसफी को आप प्रमोट करें. आप कल्चरल फेस्टिवल्स में जाएं आपस में, इसीलिए जब आप लवासना में ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे भी कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ना, अलग अलग ड्रेस पहन के. भाई महाराष्ट्र का बच्चा पता लग रहा है नागा डांस कर रहा है, नागालैंड का बच्चा पता लग रहा है उत्तराखंडी डांस कर रहा है. तो वो क्या है, वो कल्चरल मोज़ेक बना रहे हैं. भाई आप समझो कि कल्चर हर जगह का अलग अलग है और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है ना. साउथ इंडियंस पंजाबी गानों पर डांस कर रहे हैं, ये क्या है, कल्चरल
मिक्सिंग है, और ये क्या दिखाता है कि एक टॉलरेंट सोसाइटी है। ठीक है, एग्जांपल्स थे, अशोका ने जैसे एम्फेसाइज़ किया कि टॉलरेंस होनी चाहिए भाई, इतना जब कलिंगा का वॉर हो गया उन्होंने पूरी तरफ लाशें बिछा दी, तो अशोका को भी लगा कि यार मैंने किया का, मैंने क्या पाया। देखो जब एक बड़ा अच्छी कहावत है कि हलाली मुलाली दोनों हाजिर थे जब चला जनाजा सिकंदर का, और ताबूत में दोनों हाथ खाली थे जब चला जनाजा सिकंदर को। देखिए आप जीवन में साथ लेके कुछ नहीं जाने वाले, आपका जो व्यवहार है वही आप अपने साथ लेके जाएंगे, जो आप छोड़ के जाएंगे अपने पीछे वो आपका व्यवहार, और आपने लोगों को कैसे ट्रीट किया है, आप कितने टॉलरेंट रहे हैं ओवर द ईयर्स, आपने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया, आप कितने ऑनेस्ट थे अपने रिलेशनशिप में अपने काम के प्रति, ये सब आपको डिफाइन करेगा। पैसा नेसेसरी है, ज़रूरी है, घर रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, बट घर कैसा होना चाहिए वो आपको डिसाइड करना, बट रादर आपको ये डिफाइन करने के आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी वो ज़्यादा डिफाइन करेंगे आपको आप इस देश से जाने, इस दुनिया से जाने के बाद। ठीक है, उन्होंने अशोका ने भी ऐसे किया, जब उन्होंने कलिंगा का वॉर हो गया तो उन्होंने क्या बोला कि यार देखो टॉलरेंस रखो, ठीक है, शो कंसिडरेशन टूवर्ड्स स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, है ना, आप उनसे ढंग से बात करो, स्ट्रेस ऑन ओबीडियंस टू अदर्स, बड़ी की रिस्पेक्ट करो, जेनरोसिटी पैदा करो नीडी के टूवर्ड्स, है ना, ब्राह्मणास सर्मनास, है ना। अशोका प्लीडेड फॉर टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेक्ट्स इन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ हार्मनी, क्योंकि उन्होंने बोला यही ऑब्जेक्टिव है, मुझे मार मोर के कुछ नहीं मिला, है ना, और वो पता ही आपको लेटर लाइफ में फिर वो चेंज हुए, कितना उन्होंने अपने अंदर बदलाव लाया, है ना। जैसे हिंदू टेंपल है पूंछ में, उसको बनाया गया था सिख द्वारा, उसको अब लुक आफ्टर करते हैं मुस्लिम, तो ये क्या है, ये एक टाइप का रिलीजियस टॉलरेंस का एग्जांपल है। ईरा सिंगल जो आईएएस टॉपर भी थी, मेरे ख्याल से 2016 की वो टॉपर थी, है ना, उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट में 2 ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज़ को इंडक्ट किया, है ना, अब करेजी से ना बोल्ड स्टेप उसने, तो उन्होंने उससे क्या दिखाया कि उनके अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए कंपैशन था, उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया, है ना, उन्हें इंडक्ट किया, और उन्होंने क्या बढ़ाया, इंक्लूसिविटी बढ़ाई और टॉलरेंस बिहेवियर बढ़ाया अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जब हमारे पास एक टॉलरेंट सोसाइटी होगी, एक अकोमोडेटिव सोसाइटी होगी, हम एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करेंगे, एक एक्सेप्टेबल सोसाइटी होगी कि ठीक है भाई कोई ट्रांसजेंडर है, किसी की क्या चॉइस है खाने की, किसी की पहनने की क्या चॉइसेस है, उसको जब हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो हम एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी खिलाएंगे, क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी वाकई पार्टिसिपेटरी, हर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है और उसकी अपनी राइट्स हैं और उसकी राइट्स का रिस्पेक्ट होता है। देखो राइट्स होना एक अलग बात है, उस राइट्स का रिस्पेक्ट होना बहुत अलग बात है, तो उस राइट्स का रिस्पेक्ट होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ है वो सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक नहीं रहेगी, अलग अलग लोगों तक पहुंचेगी, और वो हमारा सोशल कैपिटल बिल्डअप करेगी, है ना, और वो हमें एक अच्छा देश बनाने में हेल्पफुल करेगी, एंड विच विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी which will be harmonious and peaceful. So that will be all for in this lecture. We shall see you tomorrow. Till then, take care, keep healthy and keep smiling. Bye bye.